मैं झारखंड का दिवस संस्कृत कहना चाहता हूँ कि आप 70 साल गुजर गया, लेकिन आप वहीं के वहीं क्यों? इसलिए कि आप कभी जान ही नहीं पा रहे हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कौन जगह आप खड़े हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हमारे झारखंड आजादी के 70 साल बाद भी वहीं का वहीं, कभी हमारे झारखंड का आदिवासी और मूलवासियों का कभी विकास नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है, ये हमको समझना चाहिए, ये हमें समझने का हो सकता है। क्यों नहीं हुआ और किस लिए नहीं हुआ, अगर ये हम नहीं समझते हैं तो आज भी हमारे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का भी विकास नहीं होगा, क्योंकि झारखंड का भी विकास नहीं होगा। तो मैं जनता से मैं अपील करता हूँ कि आपको भी थोड़ा समझने का हो सकता है, तब जाके हमारे झारखंड का विकास होगी, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि यहाँ झारखंड के हमारे आदिवासी मूलवासियों ने अधिकतर लोग नशा शराब में डूबे हुए हैं, अधिकतर लोग नशा शराब में डूबे हुए, कभी अपने जीवन कभी अपने परिवार को कभी देखते तक भी नहीं। अगर हम कभी नशा पान से नहीं निकलेंगे तो कभी हमारे आर्थिक स्थिति कभी सुधरेगी भी नहीं, और अपने कभी जीवन को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग नशा पान से दूर रहें और अपना जिंदगी को विकास की ओर लें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ झारखंड के हमारे आदिवासी मूलवासियों से कि आप लोगों ने हानि और दारू में हमारे बोर्ड को बेचते हैं, अपने आप को बेच देते हैं, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, ये भी हमको समझना चाहिए। जो सरकार हमारे विकास नहीं चाहती है वो हमारे भी चाहती है, और हम लोगों को हड़िया और दारू देकर हमें प्रलोभन देती है और हमारे बोर्ड को कर लेती है, और हमको पता तक नहीं चलता है कि हमारे बोर्ड कैसे कर दी है, क्योंकि हम तो खुश होते हैं ना, हड़िया दारू, अरे हड़िया दारू मिल गया है, बहुत बढ़िया है, बल्कि बहुत हम खुश हो जाते हैं, लेकिन हम अपना अधिकार को हड़े दरों में बेच रहे हैं, अपना कीमती वोट को हम हड़े दरों बेच रहे हैं, और अपना आदिवासी समाज को, मूलों से समाज को भी हम बेच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आपको एक वोट ही बहुत कीमती वोट है, आपको एक वोट से ही आपको जीवन सुधरेगा, आपका परिवार का स्थिति सुधरेगा, आपका विकास होगा। जब तक हम ये चीज हम नहीं पहचान पाएंगे तभी झारखंड का विकास नहीं होगा। आज हम जब झारखंड में घूमते हैं देखते हैं तो हमारे आदिवासियों का जीवन स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है, बहुत जगह में तो ऐसा भी है कि एक सांस का खाना खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, उसके लिए खाने के लिए खाना नहीं मिल रही, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रही है, रहने के लिए घर नहीं मिल रही है। इस तरह हमारी जिंदगी स्तर है, कब जगेंगे हम कि हमारे जीवन स्तर को सुधारें? और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग भी सबसे बड़ी कमजोरी के कारण है, इसलिए कि वो लोग कभी हमारे समाज को साथ रहना नहीं चाहते, नौकरी करते हैं अपने लिए करते हैं, कभी समाज के लिए नहीं। अरे मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अब थोड़ा सा समाज की ओर मुड़ के तो देखें कि हमारे समाज की सोच जा रही है,
आज आप उस समाज को नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिन हमारे समाज विलुप्त हो जाएंगे। जिस दिन विलुप्त हो गया हमारे समाज, उस दिन आप भी नहीं रहेंगे। आज हम कहते हैं कि अबू अदिसम अबू राज, लेकिन हमारे अबू अदिसम अबू राज नहीं आएगा भी नहीं, इसलिए कि आज तक हम जागे नहीं, आज तक हम अपना अधिकार को नहीं जाने, आज तक हम अपना अधिकार लेने नहीं जाने, तो कब होगा हमारे अबू अदिसम अबू राज? कभी नहीं। जल जगन हमारा है, आज हम बहुत आसान से नारा लगा लेते हैं, लेकिन क्या हमारी भी जल जगन जमीन सुरक्षित है? नहीं, वो भी जा रही है हमारा, इसलिए कि आज हम हाड़िया दारू बिक रहे हैं, पैसा में बिक रहे हैं, जितने हमारे समाज बुद्धिजीवी लोग पैसा में बिक रहे हैं, और जितने हम शराबी लोग नशापान करते हैं वो शराब बिक रहे हैं। अब समझिए कि हमारा समाज लोग तो ऐसे बिक चुके हैं, तो हम किस उम्मीद करते हैं कि हमारा समाज विकास हो? हम कैसे समझेंगे कि हमारा समाज विकास हो? इसलिए मैं आज झारखंड का दिवस मूलवासियों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप ये सबसे दूर रहें, अपने समाज को विकास की ओर सोचें, विकास के लिए सोचें, अपने जल जंगल जमीन के लिए सोचें। आप एक बार सोचिए ना कि हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, यहाँ तक स्कूल घर भी नहीं देखे थे, लेकिन आज हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए अरबों की संपत्ति छोड़ के चले गए, और ऐसे संपत्ति छोड़ के चले गए कभी खत्म होने वाले नहीं। वो हमारी जमीन, उस समय उसने जमीन बनाया, जमीन को बढ़ाए और हमारे लिए वो सुरक्षित रहे, लेकिन आज हम उस जमीन शराब के लिए, पैसे के लिए हम उसको बेच रहे हैं। सोना जैसे जमीन को हम बेच रहे हैं, तो आने वाले दिन में दोस्तों क्या हो आप ये सोचिए। ऐसे भी हम तो कभी कुछ करते नहीं, जमीन को बेचेंगे उस पैसे हम शराब पिए, दारू पिए, हाड़ी पिए, कल को पैसा खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सिर्फ हमारे पास बचा रहेगा रोड में कटोरी लेके। इसलिए दोस्तों आज जागो, ये सब मत कर, समाज को बचाओ, जमीन को बचाओ, हमारी फर्ज बनती है आने वाला कल के लिए उसको बचा के रखने, क्योंकि आने वाले कल कहाँ जाएंगे? जब आज हम बेच के खत्म कर, लुटा के खत्म करें, तो कब हमारे आने वाले बच्चे कहाँ पल जाएंगे, कहाँ पर आएंगे? ना आपके पास नौकरी है, ना चाकरी है, क्या उसको उस धन दे सकते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वज के पास कोई नौकरी नहीं था, लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा संपत्ति क्यों छोड़ के चले? इसलिए छोड़ के चलेगी कि आने वाले पीढ़ी कम से कम अगर पैसा नहीं रहा तो अपने जमीन में घर बना के रह सकते हैं, इसलिए हमें छोड़ के चले। लेकिन आज हम उसको क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। उन लोगों पर जरा सोच कि वो क्या कर रहे हैं, इसे जागो। आज हमको एकजुट होना है, एकता होना है, और आज हमको अच्छा सरकार को चुनना है जो हमारे विकास करे, नहीं तो आजादी के 70 साल बाद भी हमारी जो हालत है वही हालत पे 70 साल बाद भी होगी। इसलिए आज हमको इसे सरकार को चुनना है जो हमारे विकास करे, जो आपके पास पैसा लेके आएगा उससे सीधा बोल दीजिए कि बस हमको विकास चाहिए, पैसा नहीं। जब तक हमारे समाज विकास नहीं होगा तो हमारे जीवन स्तर का भी नहीं सुधरेगा। आज हमारे जगह इस हालत हो गया है कि यहाँ की जितना भी छात्र छात्राएं बाहर राज्य में जा रहे हैं नौकरी का तलाश के लिए, काम के तलाश के लिए, वहाँ कूली कबाड़ी कर रहे हैं, वहाँ किसी का नौकर बन के रह रहे हैं,
और हमारी बहन हमारी बहन लोगों को अदर स्टेट में शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। लेकिन आज हमारे समाज आज तक सोए हुए, इसलिए दोस्त जागो, उसे सरकार को सुनेंगे जो हमारे विकास करेगा, उसे सरकार को चुनेंगे जो हमें रोजगार देगी। आज हमारे बहुत से बेटे बेटा बेटियों ने रोजगार है, रोजगार की तलाश में है, उसके लिए सोचें ना कि हमारे एक बोतल हानि के लिए सोचें, ना कि हमारे एक बोतल दारू के लिए सोचें। इसके लिए नहीं आज हम अपना बेटा बेटियों के लिए सोचें जो रोजगार की तलाश में, उसको रोजगार मिले। कैसे मिलेगा? जब हम अच्छा सरकार को चुनेंगे तब हमें रोजगार मिलेगा, जब हमें रोजगार दे तब हमें कृषि जगत को मजबूत करेंगे, कृषि क्षेत्र को मजबूत करेंगे, तब हमारे विकास हो। आज हम आजकल अच्छा स्कूल नहीं पढ़ा पाते हैं बच्चों, क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हमारे बच्चे को मैं अच्छा स्कूल पढ़ाए, अच्छा शिक्षा दे, हम दे नहीं पा रहे हैं। तो इससे सरकार को चुनेंगे जो हमारे बच्चे को अच्छा से पढ़ाए लिखाए, वो समाज में अच्छा आदमी बना पाए और हमारे बच्चे को हम बनते हुए देख पाए, इससे सरकार को चुनेंगे। इसलिए आज हम बदलने की आवश्यकता है, अपने को बदलने की आवश्यकता है, अच्छा अच्छा सरकार चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अधिकार है, हम उसको वोट देते हैं। क्यों देते हैं वोट? क्योंकि हमारे विकास के लिए वोट देते हैं, ना कि हम एक बोतल दो बोतल खाने या दारू के लिए वोट नहीं देते। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? एक बोतल दो बोतल दारू के लिए आप वोट देते हैं। शर्म करो ऐसा करने का। आज हमारा बच्चा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ा नहीं पाते हैं, तो मजबूरी न हो बस वो बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, 6 महीने कमा के आते हैं फिर घर में रहते हैं, जब पैसा खत्म होता है फिर 6 महीने बाहर चले जाते हैं। ऐसा स्थिति ना हो इसलिए हमको आज अच्छा सरकार सुनने की आवश्यकता है जो हमारे विकास करेगा, जो हमारे साथ देगा। लेकिन आज का महोदय, आज का वर्तमान सरकार ने हमारे साथ कोई साथ ना किया, कोई साथ ना दे रहा है, ना विकास कर रहा है, सिर्फ सबका साथ सबका विकास, ये उसका नारा है। कि आज हमारे आदिवासी समाज, हमारे मूल समाज के लिए कोई ऐसा बड़ी काम नहीं हो रही जिससे हमारे समाज सुधर सके, समाज के लोगों का जीवन स्तर सुधर सके, ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा। आज हमारे गरीब जनता के लिए कुछ भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ कॉर्पोरेट गंदान के लिए काम हो रहा है और हमारे जमीन को लूटा जा रहा है, विकास नाम पे कंपनियां बैठाई जा रही है। क्योंकि कंपनी बैठाने से हमारी विकास नहीं होगी, क्योंकि हमारे बच्चे उतने पढ़े लिखे नहीं है तो कंपनी में जॉब मिलेगा, हम उतना पढ़े लिखे नहीं है कि हम कंपनी में जॉब मिलेगा। ये कभी गलत फहमी में मत रहिए, इससे विकास चाहिए हमको, इससे विकास चाहिए कि हमारे जमीन भी ना लुटाए और हमारे विकास भी, जमीन बिना गवाए हमारे विकास हो, हम उसे सरकार चाहिए, उसे सरकार को चुनना है, सरकार चुनने का आवश्यकता है। इसलिए मैं झारखंड के
और पूरे भारत की आदिवासी मूलवासियों से अपील करता हूँ, आपको उसे सरकार चुनिए जो आपका विकास करे, आपको पहनने के लिए कपड़े मिले, आपको खाने के लिए अन्न मिले, पढ़ने के लिए पैसा मिले, पढ़ने के संसाधन मिले और रहने के लिए घर मिले, साथ में अपना जल जंगल जमीन और अपना जमीन भी मिले, आप उसे सरकार को चुनिए। बदला होने का हो सकता है, अपने को जगने का हो सकता है, जागरूक करने का हो सकता है, समाज को जागरूक कीजिए, समाज को बचाइए, तब हमारे समाज विकास की ओर जाएगा, अन्यथा विनाश की ओर जाएंगे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे निवेदन है, आज के बाद आपको जगना जगने का हो सकता है और आज के बाद हम लोगों को एक अच्छा सरकार चुनने का हो सकता है जो हमारे विकास करेगा, हम लोग को विकास को ले जाएगा, हमें उस सरकार को चुनना जो हमारे हमको रोजगार देगा, उस सरकार को चुनना, क्योंकि हमारे बहुत से बेरोजगार युवक लोग युवती लोग बाहर चले जा रहे हैं, बेरोजगार है, तो लोगों को रोजगार मिल सके, अपने प्रदेश में उसको रोजगार मिले और अपने प्रदेश में ही वो रहे, हमारी बेटी हमारे प्रदेश में जॉब करे, तब वो सुरक्षित रहेंगे और अपना इज्जत को भी बचा कर रखेंगे। और प्लान को रोकना हम उस कदम पे चलना है, इसलिए मैं झारखंड की जनताओं से अपील करता हूं कि आने वाले समय में हमें अच्छा सरकार को चुनना है, जागरूक होना है, मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो का इतना शेयर करें कि हर आदिवासी मूलवासी और आम जनता के पास पहुंचे और जागरूक, ताकि उसका भी विकास इस वीडियो के माध्यम से मैं हर कोई को जागरूक करना चाहता हूँ, नशापान से दूर रखना चाहता हूँ, अन्य दरों से दूर रखना चाहता हूँ, ताकि समाज सुधरे, समाज के विकास हो। इसलिए आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर कोई पर तक पहुंचे। जय जोहार।